हेलो फ्रेंड, सत्य में जाते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते देखते यूं ही हम इसे याद भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो आइए हम समझते हैं ये किस टाइप से क्वेश्चन है। तो यहाँ हमने इस प्रकार के टॉपिक्स को लिया है और उस पर हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से एग्जाम पे क्वेश्चन पूछेंगे और आते रहते हैं। तो आइए समझते हैं। कहता है ये है मनुष्य का आहार नाल, मतलब इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल। तो कहता है यह एक प्रकार की कुंडलित संरचना होती है। कुंडलित कहने का मतलब जो आपका माला होता है, ठीक है? तो माला भी क्या होता है? माला की जो संरचनाएं होती है, माला की जो बनावट होती है, वो भी क्या होती है? कुंडलित होती है। कुंडलित कहने मतलब ऐसे गोल टाइप से और नीचे थोड़ा लटका हुआ माला जैसे, ठीक है? तो इसकी संरचना बिल्कुल वैसे ही होती है। फिर कहता है इसकी लंबाई करीब, मतलब इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है, ठीक है? कहता है यह मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक फैली होती है, मतलब यहाँ से शुरू होकर के पूरा वो मल द्वार जहाँ से निकलता है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं एक्सीरेशन, उत्सर्जन जो द्वार होता है, जो मतलब मल त्याग के रूप में बाहर निकालते हैं, वहां तक इसका फैलाव होता है। तो इसे एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आहार नाल क्या है? तो आहार नाल जो होती है, मनुष्य का जो आहार नाल होता है, वो क्या होती है? इसकी संरचना कुंडलित होती है, मतलब माला के आकार जैसी होती है, ठीक है? और यह करीब क्या होती है? 8 से 10 मीटर तक इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर तक होती है। फिर ये कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? तो ये मुख से लेकर के मल द्वार तक इसका फैलाव होता है। तो ये आपका आहार नाल हो गया। अब बात करते हैं मुख गुहा की। किसकी बात करते हैं? मुख गुहा की। तो हम बोलेंगे यह आहार नाल का पहला भाग होता है, मतलब मुख गुहा जो है यह भी आहार नाल का ही पार्ट है, आहार नाल का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है? जो ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी होती है, मतलब ऊपरी जबड़े कहने का मतलब ऊपर जब और निचली जबड़ा कहते हैं नीचे जब, मतलब ये दोनों से क्या होता है? ये घिरा हुआ होता है। फिर कहता है मुख गुहा को बंद करने के लिए दो मांसल ओट होते हैं। जैसे मुख गुहा हमेशा तो खुला हुआ रहेगा नहीं, मतलब इसको बंद होना पड़ेगा। तो बंद होने के लिए दो मांसल संरचनाएं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओठ कहते हैं। फिर कहता है मुख गुहा में दांत तथा जीभ दोनों मौजूद होते हैं। ये अपना जो मुख गुहा है, तो इसके अंदर दांत और जीभ दोनों उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये आपका मुख गुहा हो गया। मुख गुहा को फिर से एक बार मैं रिकॉल करवाता हूं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। मुख गुहा क्या है? तो मुख गुहा आहार नाल का पहला ये भाग होता है, ठीक है? जो ऊपरी तथा निचली जबड़ा से क्या होता है? घिरा हुआ होता है, ठीक है? और इसको बंद रखने के लिए दो मांसल ओट की आवश्यकता होती है, ठीक है? ये होता है। और मुख गुहा के अंदर जीभ तथा दांत दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये आपका मुख गुहा हो गया। अब बात करते हैं जीभ की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? जीभ की। तो आइए जीभ को समझते हैं। कहता है यह मुख गुहा को फर्श पर स्थित, यह मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल संरचना है या रचना है, ठीक है? जीभ जो है ये मुख गुहा के ऊपर, मतलब मुख गुहा के फर्श पे स्थित होता है ये, ठीक है? मांसल संरचना होता है, मतलब जीभ जो आपका है वो क्या है? एक प्रकार का मांसल संरचना है, मतलब मांस की बना, मतलब वो मांस का बना होता है, जिसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है। अगला सिरा कहने का मतलब आगे वाला हिस्सा। ये आगे वाला हिस्सा जो होता है वो स्वतंत्र होता है, मतलब ये किसी से बंधा हुआ, किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अगला हिस्सा। तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। अगला जीव का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और जो पिछला हिस्सा होता है वो किसी न किसी से क्या होता है? वो जुड़ा हुआ होता है, मतलब फर्श से जुड़ा हुआ होता है। फिर जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। अब जीव जो होता है, तो जीव के ऊपरी सतह पर, मतलब ऊपर वाला हिस्सा पे कई छोटे छोटे दाने दाने जैसे आपको दिखाई देंगे, जिसको अंकुर कहते हैं, ठीक है? ठीक है, अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। आप जो स्वाद लेते हैं, जैसे खट्टा का, मीठा का, तीखा का, कड़वा का, जो स्वाद लेते हैं, तो इसी अंकुर, मतलब इसी कलियां के द्वारा आप स्वाद लेते हैं, ठीक है? जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों, जैसे अभी हम बात किए हैं, खट्टा, खारा, मीठा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है, मतलब आदि का आपको अनुभव होता है, आभास होता है। जीभ अपने गति के द्वारा भोजन को निगलने में ये मदद करता है। तो ये आपका क्या हो गया? जीभ हो गया। जीभ को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। आइए समझते हैं जीभ क्या है। तो जीभ एक मांसल संरचनाएं होती है,
जो जिसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है तथा पिछला सिरा क्या होता है, किसी फल से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जीभ जो होता है, जीभ का मुख्य कार्य यह है, वो भोजन को निगलने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, मदद करता है। फिर जीभ के ऊपर, जीभ के सरफेस पे, जीभ के सतह पे कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। और इन्हीं स्वाद कलियों के माध्यम से दोस्तों, ठीक है, हम जैसे कड़वा, कड़वाहट, खट्टा, मीठा, ये सब का हमें अनुभव होता है, ये सब का हमें आभास होता है। तो आज आपको हमने क्या क्या पढ़ा है, जैसे पहला पढ़ा दिया था आपको मनुष्य का आहरण पढ़ा है। ठीक है, फिर आपको क्या बताएं, फिर आपको मुख गुहा के बारे में बताएं, फिर आपको जीभ के बारे में बताएं। तो आज हमने वॉली फोर तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है, और तीनों टॉपिक आपको, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो देखें। ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाएं और अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव करते रहें। चलिए, थैंक यू।